बाबा संजू के लिए दबंग खान की ओर से एक स्पेशल मैसेज। जी हाँ, देखा जाए तो सलमान खान और संजय दत्त ने मिलकर बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी है। इन दोनों की जोड़ी को 90 की दशक की बेस्ट जोड़ी मानते थे, इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। भले ही बीच में इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी, लेकिन सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दिन गले मिलकर इन दोनों दोस्तों ने फिर से एक ग्रेट एग्जाम्पल सेट किया था। न जाने कितने फिल्मों में ये दोनों साथ आए हैं। ऐसे में बाबा संजय दत्त का बर्थडे हो और जिगरी दोस्त सलमान खान विश ना करे, ये कैसे हो सकता है। 29 जुलाई को संजय दत्त ने किया अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट और इस दिन को और भी खास बनाया सलमान खान ने। सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक थ्रोबैक पिक्चर शेयर किया और ये पिक्चर सभी को उनके पुराने दिन याद दिलाते है। इस तस्वीर को देखकर इन दोनों को साथ में बड़े पर्दे पर फैंस मिस करने लगे। ये पिक्चर 1991 की फिल्म साजन के टाइम का लग रहा है और दोनों ही इस पिक्चर में बहुत खुश नजर आ रही है। सलमान ने इस पिक्चर को कैप्शन किया, हैप्पी बर्थडे बाबा, है ना ये पिक्चर काफी अमेजिंग। वेल, अब क्या कहे, इनकी दोस्ती के बारे में जितना भी कहो उतना कम पड़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते भी नहीं थकते। एक बार संजय दत्त का सलमान के बारे में क्या कहना था, ये आप खुद ही सुन लीजिए। सलमान मेरा छोटा भाई है, वो हमेशा रहेगा और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अब इससे भी बड़ा स्टार बने और उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। वही जब सलमान से एक बार ये पूछा गया था एक इवेंट पर कि वो संजय दत्त के जेल के बाहर आने पर पार्टी करेंगे या नहीं, तब देखिए सलमान का क्या कहना था। मेरा सवाल था कि आपके दोस्त बहुत ही जल्द जेल से आने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं और आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है? संजू की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, संजू बाबा अभी बाहर निकलने वाले हैं, कुछ आई थिंक दिसंबर में शायद वो आ जाएंगे। फॉर गुड, क्या खबर रखते हो भाई, अभी उनमें थोड़ा सा टाइम है, इतने इंपेशेंट मत होइए आप। वो अगर आएंगे तो परोल या फरलो पे ही आ सकते हैं, उनका थोड़ा सा आई थिंक आगे तक का है। बट व्हेन ही कम्स आउट ही इज गोइंग टू बी क्लीन, ही इज गोइंग टू बी क्लियर एंड ही इज गोइंग टू बी अ फ्री मैन, दैट्स व्हाट वी वांट हिम टू बी। कबीर जी, तो सलमान, एंड ऑब्वियसली वंस ही इज आउट ही इज अ फ्री मैन, ऑब्वियसली आई विल पार्टी विद हिम, बट इफ ही कम्स बीच में ऑन परोल और एनीथिंग, नो वे। इतना ही नहीं, ये बात तो सभी जानते हैं कि सलमान और संजय दत्त के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी। जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तब सलमान खान उनसे मिलने नहीं पहुँचे और ना ही जेल में कभी सलमान उनसे मिलने गए, इस बात से खफा हो गए थे संजय दत्त। लेकिन इस दुश्मनी को भी संजय और सलमान ने बहुत ही जल्द भुला दिया। वेल, आपको बता दे कि संजय दत्त के बर्थडे के दिन ही उनकी फिल्म प्रस्थानम का टीजर रिलीज हुआ और KGF 2 से अधीरा के रूप में उनका लुक भी आउट हुआ और लोगों ने दोनों ही किरदारों को दिल से लगाया, यानी कि संजय दत्त का ये बर्थडे सुपर स्पेशल रहा। तो ऐसे में आप हमें कमेंट करिए, बताएं कि आप संजय दत्त और सलमान खान को बड़े पर्दे पर साथ देखना कितना मिस करते हो और आप इन्हें जल्दी बड़े पर्दे पर देखना चाहते हो या नहीं। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.